इंडिया में गाय को ना सिर्फ एक पशु समझा जाता है बल्कि एक माँ का दर्जा भी दिया गया है। और जैसे माँ हर एक इंसान को प्रोवाइड करती है, अपने बच्चे को नरिश करती है, उनको सारी जरूरत की चीजें देती है, वैसे ही काउडंग से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप शुरू करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अगर आप छोटे शहर या फिर किसी गांव से फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसे आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, छोटी पूंजी से इस बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बहुत सारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए फटाफट से डिटेल में हर एक बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम ढेरों बिजनेस आइडियाज रोजाना डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है तनु सरदाना। तो पहला बिजनेस आइडिया जो आप काउडंग यानी कि गोबर से शुरू कर सकते हैं वो है धूप बत्ती का बिजनेस। चाहे वो मंदिर हो या फिर हवन हो या फिर कोई भी पूजा पाठ करने की जगह हो, वहां पे गोबर से बने धूप बत्ती का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको शुभ माना जाता है, उसको प्योर माना जाता है। इससे आप चाहें तो छोटे स्तर पर स्टार्ट कर सकते हैं अपने हाथों के थ्रू ही, या फिर आप मशीनों का भी सहारा ले सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक अंदाजा यहां पे देना चाहूंगी। जब हमने लोगों से बात की जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर 10 किलो का गोबर उसके साथ 5 किलो के लकड़ी के बुरादे के साथ मिक्स किया जाए, उसमें आधा किलो चंदन का इस्तेमाल किया जाए, 10 पीस कपूर का भी यूज किया जाए, इन्हीं रॉ मटेरियल्स के थ्रू आप धूप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही रॉ मटेरियल्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, जिसमें आप 30 से 40 रुपए का एक पैकेट बनाकर मार्केट में आराम से बेच सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं दूसरे बिजनेस की, तो वो है गमलों का, यानी कि पॉट्स एंड प्लांटर्स का। देखिए, हरियाली हर किसी को अच्छी लगती है, अपने चाहे बालकनी में सजाने के लिए पौधे हो या फिर नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम करने की बात हो, काउडंग से बना पॉट सीमेंट के पॉट से बहुत ज्यादा बेटर होता है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और पौधों की ग्रोथ के लिए भी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए भी ये बेस्ट माना जाता है। जहां प्लास्टिक के पॉट्स हमारे देश की खूबसूरती को खराब करने में लगे हुए हैं, उन्होंने सत्यानाश कर दिया है इस देश की खूबसूरती का, वहीं पे काउडंग से बने हुए प्लांटर्स अगर टूट भी जाए ना, तो वो खाद की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि उसको डीकम्पोज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जो हर किसी के लिए एक अच्छी बात ही है। अगर आज हम अपने देश का ध्यान रखेंगे, अगर आज हम अपनी धरती का, अपने प्लैनेट का ध्यान रखेंगे, तो इन रिटर्न हमें वहां से बहुत कुछ मिलेगा। वो हमारे प्लैनेट को, हमारी नेचर को खराब नहीं करते हैं इस तरीके के पौधे। तो आप मशीन की मदद से, अगर एक दिन में मशीन को स्टार्ट भी करते हैं, चलाते भी हैं, तो 500 गमले आप तैयार कर सकते हैं, जिसको आप मार्केट में 50 से 70 रुपए में बेच भी सकते हैं। तीसरा तरीका है काउडंग यानी कि गोबर से दिए बनाने का। ये मैं इसलिए भी इस बिजनेस के ऊपर स्ट्रेस देने वाली हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है और भारत में दिवाली हर कोई जानता है कि बहुत बड़ा त्यौहार है। ऐसा लगता है जैसे हर घर में शादी है, हर कोई इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, तो पहले से ही उसकी तैयारी करनी बनती है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड दियों की भी होती है, मोमबत्तियों की होती है, तो साथ में दियों की भी होती है। गोबर को सुखा कर उसका पाउडर बनाने के बाद गोंद में मिक्स करके उसे बाइंड किया जाता है और फिर उसको खुली हवा में सूखने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रंगों का उसमें इस्तेमाल करके उसके ऊपर बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे डिजाइन्स बनाए जाते हैं, जिन्हें मार्केट में आप बड़े आराम से बेच सकते हैं। देखिए, मार्केट में इन चीजों की डिमांड हमेशा रहने वाली है, चाहे बड़े घर हो चाहे छोटे घर हो, दिवाली हर कोई मनाता है। 3 से 4 रुपए पर पीस में आप इन दियों को बेचिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि छोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी शॉप्स पे भी जाके आप इन दियों को बेचिए, क्योंकि वहां से भी आपके पास पूरा चांस है कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर घर की लेडीज मिलके कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कीजिए और दिवाली आने से पहले अपने सारे दियों को रेडी कर लीजिए। फ्रीडम ऐप सपोर्ट करता है उन सभी छोटे व्यवसाय वाले लोगों को जो इस समाज में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आपको किसी भी सहायता की अगर जरूरत हो तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे ढेरों ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको वो चीजें सिखाएंगे जो शायद किसी स्कूल में नहीं सिखाई गई। वो स्किल्स आपको सिखाने के लिए रेडी करेगा फ्रीडम ऐप, कि कैसे पैसों सेव किया जाता है, किसी बिजनेस में नुकसान से कैसे बचा जाता है। ये सारी चीजें आपको फ्रीडम ऐप पे सीखने का मौका मिल रहा है, जिसमें लाखों लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने भी अपना खुद का कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस सोचने का सिर्फ अभी थॉट ही लाया था, तो उसको मटेरियलाइज कीजिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके।
जो बिजनेस आइडियाज आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उसके लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी आप इन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादा पैसे अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट अब जमाना बदल गया है और बिजनेस करने का तरीका भी बदल गया है। पहले तो सिर्फ ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर दूर बैठे हुए शहरों में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इनफैक्ट उनसे काफी सारे पैसे भी चार्ज करके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ती हूं अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लेकिन वो आप तब स्टार्ट कर पाएंगे अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बजट है। यानी कि अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा बूमिंग होने वाला है। काउडंग पेपर प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट योजना के अंडर आता है, इस बिजनेस से लाखों की कमाई की जा सकती है। इस बिजनेस में गवर्नमेंट लोन के साथ साथ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। एंड इनफैक्ट मैं बोलूंगी ये बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है, काफी लोगों की इसके ऊपर नजर है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ इनोवेशन लेकर आना चाहते थे इस देश में तो आप इस बिजनेस के ऊपर जरूर रिसर्च कीजिए, क्योंकि बड़े काम का बिजनेस है। नेक्स्ट बिजनेस है काउडंग से ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनाने का बिजनेस। ना सिर्फ ये एक बायो फ्रेंडली ऑप्शन होने वाला है बल्कि इंडोर क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करती है। काउडंग यानी कि गोबर से बनी हुई ईंटें, बिल्डिंग में दीवारों पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है इन ब्रिक्स की वजह से, यानी कि आपकी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो बढ़ गई। और अच्छी बात तो यह है कि इस बिजनेस से जेनरेट होने वाला जितना भी वेस्ट होता है उससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं ईंटों के बिजनेस को बेचने की बात करूं तो आप एक ब्रिक को यानी कि एक ईंट को आराम से 6 या 7 रुपए में मार्केट में बेच सकते हैं। एक अगेन प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसको शुरुआत करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है गोबर खाद यानी कि काउडंग मैन्योर बनाने का बिजनेस। देखिए गोबर खाद नाइट्रोजन में कम होती है इसीलिए नाजुक पौधे यानी कि जितने भी टेंडर प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी बेस्ट होती है। किसी भी प्लांट की सेहत के लिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसको एक अच्छे खाद की जरूरत तो पड़ती है। और गोबर के अंदर यानी कि काउडंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पौधे को राइट न्यूट्रिशन देती हैं जिससे वो अच्छे से उग सके और उससे अच्छी फसल भी जेनरेट की जा सके। तो आप इस मैन्योर को किसानों को बेच सकते हैं या फिर उन लोगों को जिनकी प्लांट्स की नर्सरी है उनके लिए ये बहुत काम आने वाली चीज है। इनफैक्ट जितने भी किसान हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए तो वरदान का काम करती है काउडंग मैन्योर यानी कि गोबर से बनी हुई खाद। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये बिजनेस आइडियाज पसंद आए होंगे, आपके किसी काम आएंगे और इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया को पकड़कर आप अपना व्यवसाय शुरू करने का मन बनाएंगे। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो शायद एक नया बिजनेस तलाश रहा था उसको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। इनफैक्ट दोस्तों बिजनेस शुरू करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन उसको ऑटो पायलट मोड पे चला के रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तो फ्रीडम ऐप आपकी सहायता में हमेशा रेडी रहता है। इस ऐप पे आपको परफेक्टली डिजाइन कोर्सेज मिलेंगे जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में आपकी हेल्प करेंगे और उसे प्रॉफिटेबल बनाने में भी आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। सो बिना सोचे समझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, इसे डाउनलोड कीजिए, ऐप को एक्सप्लोर कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में जरूर मिलूंगी, लेकिन टिल देन यू टेक केयर।